तो कैसे हो तुम लोग? मुझे मालूम है कि तुम लोग एकदम बिंदास हो गए और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ माय वाइफ इज फ्रॉम अ थाउजेंड ईयर एगो का चैप्टर नंबर 22। स्टार्टिंग के चैप्टर में हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर सबसे पूछता है, क्या तुम लोग को भूख लगी है? मैं तुम लोग के लिए खाना ऑर्डर कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे एक मोटा पुलिस ऑफिसर आ रहा होता है और कह रहा होता है, सही टाइम है, वैसे भी मुझे भूख लग रही थी, चलो मैकडोनल्ड से बर्गर ऑर्डर करते हैं। और पूछता है किसी और को कुछ मंगाना है, और वो एक पुलिस ऑफिसर को बुलाता है और कहता है, ए हाओ, क्या तुम्हें भी भूख लग रही है? तभी ए हाओ कहता है, नहीं मेरे को उतनी तो भूख नहीं लगी, लेकिन शुक्रिया मुझे पूछने के लिए। नेक्स्ट सीन में वो दूसरी तरफ मुंडी करके खिड़की के बाहर देख रहा होता है और कह रहा होता है, कितना बेकार का दिन जा रहा है, करने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बाकी के पुलिस ऑफिसर ए हाओ को घूरना चालू कर देते हैं। तभी ए हाओ उन लोग से पूछता है, क्या हुआ, तुम लोग मेरी तरफ क्यों घूर रहे हो? तभी उनमें से पहला पुलिस ऑफिसर कहता है, क्या तुम्हारे टीचर ने ये नहीं सिखाया कि तुम्हें ये सब चीजें नहीं कहनी चाहिए पुलिस स्टेशन के अंदर? तभी एहा थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होता है और कह रहा होता है, कैसी चीजें नहीं कहनी चाहिए पुलिस स्टेशन के अंदर? ये सुनने के बाद बाकी सारे पुलिस ऑफिसर थोड़ा उदास सा हो जाते हैं और तभी पुलिस स्टेशन में एक फोन बजने लगता है। नेक्स्ट सीन में सारे पुलिस ऑफिसर अपने काम में लग जाते हैं क्योंकि उन लोग को जो भी फोन आया था वो एक इमरजेंसी का फोन था। ये सब देख के एहा और भी कंफ्यूज हो जाता है और उनमें से एक पुलिस ऑफिसर कहता है, आज पूरी रात काम करने के लिए तैयार हो जाओ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दो पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहे होते हैं और वो दोनों कार में बैठे कहीं जा रहे होते हैं। फिर उनमें से एक पुलिस ऑफिसर कहता है, अगली बार तुम्हें कभी मत कहना है कितना फालतू दिन है और कुछ करने के लिए नहीं है, वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर, ये बात याद रखना, कभी मत कहना अगली बार। तभी ए हाओ कहता है, लेकिन क्यों? तभी दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है, ये बस अंधविश्वास है, इसे मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई पुलिस स्टेशन के अंदर ये कहता है कि आज कितना बेकार दिन जा रहा है और कुछ करने के लिए नहीं है, तभी पुलिस स्टेशन में इतने सारे काम आ जाते हैं कि हम लोग को खाना खाने का टाइम नहीं मिलता, तो ये बात हमेशा याद रखना, ये सब चीजें पुलिस स्टेशन में कभी मत कहना। ये सुनने के बाद ए हाओ कुछ नहीं बोलता और वो दूसरी तरफ देख रहा होता है। तभी नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं और पहला पुलिस ऑफिसर कहता है, हम लोग इधर पहुंच गए, अब देखते हैं कि हमें फोन किस नंबर से आया था, रूम नंबर 14 और फ्लोर नंबर 6, हमें इधर जाने का है। तभी एहाओ अपने मन में कह रहा होता है, इतनी रात को वो भी इतने सुनसान सड़क के बीच, अब ऐसा लग रहा है कि मैं कोई पुलिस ऑफिसर के मिशन में आया हूं। और कहता है, अब लगता है कि आज मैं कोई अच्छा काम कर सकूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत सारी दारू पी के पड़ा होता है। तभी दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है, लगता है हम लोग इधर पहुंच गए। तभी दूसरा पुलिस ऑफिसर उस आदमी पे लाइट मार के पूछ रहा होता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। तभी एहा अपने मन में कह रहा होता है, लगता है बहुत बड़ा केस हमारे हाथ में आया है। तभी वो आदमी कहता है, तुम लोग इतने लेट क्यों आ रहे हो, मैं तुम लोग के लिए कितना इंतजार कर रहा था। और कह रहा होता है, जल्दी से मेरी वाइफ को बोलो दरवाजा खोलने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एहा अपना नाक बंद करके अपने मन में कह रहा होता है, इस आदमी से कितनी सारी दारू की बदबू आ रही है और भी इतनी कड़क की पूछो मत। तभी दूसरा पुलिस ऑफिसर दरवाजे को ठकठका के कह रहा होता है, हम लोग पुलिस आए हैं, हम लोग को एक कॉल आया था कि यहाँ पे कोई है ना दूसरे को परेशान कर रहा है, प्लीज दरवाजा खोलो, ये सब कह रहा होता है। नेक्स्ट सीन में धीरे से दरवाजा खुलता से एक औरत निकलती है और तभी पुलिस ऑफिसर उसे पूछता है कि आप ही हो जिसने हमें फोन कॉल किया था। तभी वो औरत कहती है, पुलिस ऑफिसर मैंने तो कोई फोन कॉल नहीं किया, लेकिन जरूर हमारे पड़ोसी लोग ने किया होगा क्योंकि ये आदमी बहुत जोर से चिल्ला रहा था इसीलिए। ये सुनने के बाद वो पिया हुआ आदमी चिल्ला के कह रहा होता है, मैं हूँ जिसने आपको फोन कॉल किया था, इस औरत ने मुझे घर के बाहर निकाल दिया और मेरे को घर के अंदर भी जाने नहीं दे रही, और वो पुलिस ऑफिसर से पूछता है, मुझे इसमें न्याय चाहिए, मुझे अपना हक दिलाओ। तभी पुलिस ऑफिसर उस औरत से पूछता है, क्या ये आपका हस्बैंड है? तभी वो औरत कहती है, हाँ ये मेरा हस्बैंड है, लेकिन ये हर रोज बहुत सारा दारू पी के आता है और ये दारू पीना छोड़ता भी नहीं है, लेकिन मैं इसे कितनी बार समझा चुकी हूँ, ये मेरी बात समझता नहीं है, मुझे इसके लिए माफ कर देना, लेकिन मैं इसको जरूर उसको सबक सिखाऊंगी। तभी पिया हुआ आदमी चिल्ला के कह रहा होता है, तुम मुझे सबक सिखाओगी? तुमने पहले मुझे घर के बाहर निकाल दिया और कह रही हो कि मैं थोड़ा ज्यादा दारू पी के आया, मैं तो बस थोड़ा सा दारू पी के आया था, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें कभी माफ करूंगा। ये सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो पुलिस ऑफिसर स्टाइल से हथकड़ी निकालते हुए कह रहा होता है, क्यों ना मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाऊँ, वहाँ पे तुझे शांत करूँ। तभी वो आदमी ये देख के डर जाता है और कह रहा होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी शांत रहूंगा। ये देखने के बाद एहा अपने मन में कह रहा होता है, एक बड़ा केस सॉल्व हो गया और वो भी बहुत जल्दी। केस सॉल्व करने के बाद वो दोनों वापस जा रहे होते हैं। तभी वो लोग को फोन पे एक और मैसेज आता है कि वो लोग के पास एक और केस आया है। तभी वो पुलिस ऑफिसर कहता है, मैंने तुम्हें कहा था अगर तुम कभी भी पुलिस स्टेशन में ये सब कहोगे कि आज का दिन बहुत बेकार जा रहा है तो हमें इतना सारा काम मिलेगा कि हम लोग को खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। ये सब सुनने के बाद एहा बहुत ज्यादा उदास लग रहा होता है।
तभी नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया जाता है जो नींद से उठ रहा होता है और कह रहा होता है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी वो उठ के अपने कमरे से बाहर निकल रहा होता है, धीरे से दरवाजा खोल रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है क्या फिर से जिंग रात को बाहर निकल के कहीं जा रही है, और उसे ऐसा लग रहा है कि वो भूत का नाटक करेगी कि वहाँ से कोई भूत निकल के जा रहा है। तभी सुचिन को कोई काला कपड़ा पहन के दिख रहा होता है और मन में कह रहा होता है जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है, ये फिर से बाहर निकल कहीं पर जा रही है। तभी वो कमरे से बाहर निकल के लाइट चालू कर देता है और कह रहा होता है तुम्हें मालूम है ना कि तुम क्या करने जा रही हो। तभी उसे मालूम चलता है वो जिंग नहीं होती, वो कोई और ही होता है। तभी सुचिन कहता है कौन है तुम, और उसके पीछे से जिंग उठ के आ रही होती है। तभी सुचिन देखता है वो चोर जल्दी जल्दी में कहीं भाग रहा होता है और सुचिन उसे कहता है तू उधर ही रुक जा। तभी नेक्स्ट में दिखाया जाता है जिंग बहुत ही तेज से उस चोर को पकड़ लेती है और उसका सर जमीन से पटक देती है, और नेक्स्ट में दिखाया जाता है जिंग बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही होती है और जिंग उस चोर का सर इतनी जोर से पकड़ के रखी हुई होती है कि जैसे खोपड़ी फोड़ देगी। तभी सुचिन वहां पे आ जाता है और उस जिंग को कहता है तुम छोड़ दो उसे अब भी के अब्भी, क्या तुम उसे मारना चाहती हो क्या, अगर तुम्हें थोड़ी और ताकत लगाई तो ये पक्का मर जाएगा, ये सब जिंग को कह रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन और जिंग उस चोर को पकड़ लिए होते हैं और वो चोर घर के बीच में बैठा हुआ होता है और सुचिन जिंग को देख रहा होता है, जिंग इधर से उधर घूम रही होती है ताकि वो चोर कहीं भाग ना पाए, और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। ये सब देख के चोर को बहुत ही अजीब लग रहा होता है और बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। इसी के साथ माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर 22 यहाँ पे खत्म होता है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन दबा देना, जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगली बार हम लोग मिलेंगे माय वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो के चैप्टर नंबर 23 में।